Assalamu alaikum and hello people, what's up? Welcome back to your show Kadak Reaction. Main Mohd Chavez. Noordin Ayed. Bhai, आपका नाम सॉरी मुझे याद नहीं है. इनायत. नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, नाम याद नहीं है. बिकॉज मुझे कभी कभी इनका नाम भी याद नहीं रहता. मैं इनको पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है. आप कमेंट कर रहे थे कि मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूँ बिकॉज आप इश्क जहन नसीब के टीजर्स के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हो. भाई मत करो, हम लोग ने कर दिया. अभी टूट जाएगा हमारा मतलब दिल 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 टूट जाएगा हमारा अगर आप हमारे अनसब्सक्राइब कर दोगे. सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं इश्क जहन नसीब के टीजर्स. आई थिंक दिस इज़ द OST जहाँ पर हम लोगों ने बहुत तारीफें की हैं OST की भी और इस बंदे की भी. यू रिमेंबर? या भूल जाते हैं. वो यू नो यहाँ पर एक कहावत है. नो आई रिमेंबर के आई रिमेंबर आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर व्हाट आई रिमेंबर बट वंस आई वॉच इट आई एम श्योर के आई विल रिकॉल इट. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आई रिमेंबर दैट आई रिमेंबर दिस बट वंस आई वॉच दिस ओनली देन आई विल रिमेंबर आई मीन आई विल रिकॉल व्हाट इट इज. So very there was a very famous dialogue right now in Heeropanti 2 ka trailer. Ek chhoti bachchi ho kya wo jahan par Nawazuddin Siddiqui ek dialogue maarte hain. Okay, something ke kuch ata phata something aur uske bare mein ek meme nikla tha ki is dialogue pe sirf Nawazuddin Siddiqui ko hi hansi aayi thi, hum logon ko nahi aayi. Exactly happened here na. अच्छा, जो तुमने बोला उसके ऊपर सिर्फ तुम ही खुश हो सकते. okay. सिंगल शॉट. फॉर द फर्स्ट टाइम सीइंग समथिंग लाइक दिस. ओह very neat, very neat. wow, kya baat hai, jald aa raha hai. very, that was amazing. no, the transition was also very amazing, very very clean very transition. clean, very smooth. I think one take shots maine bahut dekhe hain but there is a short one but it was very smooth. very smooth. Oh, nice. Expectation काफी है, आई है टीज़र 2 से. Let's start. Nice, not bad. But teaser 1 still has a point. Teaser 3. कितना खूबसूरत सेट है ये. गॉड मेरी जान. जी सर ताज. मैं तुम्हें इससे खरीद कर नहीं दे सकता. तू नहीं करी. मैं तबाह हुआ, मैं फना हुआ, मेरा रोम जल के सुआ हुआ. तड़प मेरी कुछ और जली. तेरा इश्क है, इश्क ज़हे नसीब जल्द आ रहा है. आ चुका है. टीज़र पोर. वेयर आर यू पोर. टीज़र 4. मेरे हिसाब से स्टिल टीज़र 1 वाज बेस्ट. व्हाट अबाउट यू? या या ट्रू. तेरा इश्क है वो कमल है क्या? सब वो सेम कपल जो डांस कर रहे थे, जो बैठे थे वहां पर. ये बता,
टीज़र 5 यमुना ज़ैदी, तुम्हारा नाम क्या है? समीर। समीरा। तुम्हारी समीरा। इश्क ज़ही नसीब। क्या कॉन्सेप्ट है? आई नॉट अंडरस्टैंड। आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि टीजर वन में भी था. द गर्ल हु वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द मिरर वॉज डिफरेंट, राइट? एंड अगेन द शॉर्ट चेंजेस, और वहां पर वो बंदा था. एंड यहां पर भी लड़की को दिखाया गया था. अगेन दैट इज चेंज टू दिस. सो व्हाट इज सोल समथिंग? क्या ये इनके इमेजिनेशन में कोई लड़की है या कोई है? फिर ही थिंक्स ही इज अ गर्ल, और फिर भी शी थिंक्स ही इज अ ही इज अ गाय. तुम दोनों के मुकद्दर में एक कलम, एक स्याही, एक कलम, एक ही तकती, वो परवाने में लिख डाला है. ज़ही नसीब, ज़ही नसीब, इश्क ज़ही नसीब. दिस वाज ड्रामेटिक. Okay. एक ही इस कलम, एक ही सियाही से तुम दोनों की किस्मत को लिख डाला है ऊपर वाले. यस. 7 टीजर्स हैं क्या? द लास्ट वन. भाई गलत इन्फॉर्मेशन मिली क्या मुझे? देयर इज नो टीजर 7 ओनली हियर. ऊपर द फर्स्ट वन वाज देयर ना. इट्स एपिसोड 7. प्रोमो एपिसोड 7 प्रोमो. ओके, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. सो वी गॉट टीजर 6 ही मिले हमें. अगर 7 हैं तो आप बता दीजिए, हम लोग बाद में देख लेंगे. फिर वक्त हम 6 के बारे में बात करेंगे. व्हाट से जेनेसी द फर्स्ट वन एक्चुअली वाज वेरी वेरी. अच्छा, यू गिव अ वेरी अमेजिंग डायलॉग शुरू होने से पहले कि आई रिमेंबर समथिंग दैट एंड दैट ऑन दैट एंड दैट. समथिंग यू रिमेंबर्ड और रिकॉल्ड? अस्तगफिरुल्लाह. कंटिन्यू. The first trailer, like I was expecting the other. When you set up in a great standard, okay. For the first time, I saw. I love single shots. To be honest, even I. We both are fans of single shots, and that's where you show excellence. And cut shots, mein it's very easy to tell anything. But single shot mein kuch dikhana, it's very difficult. And jahan jahan single shot hote hain, wahan hum jo yahan pe humne dekhe hain ab tak, humne movies dekhe hain yahan pe, we appreciate that a lot. Hamare yahan se ek Telugu movie aayi thi jahan pe 15 minute ka single shot tha. Acha na. मलयालम मूवी आई थी ना वो मलिक का. 20 मिनट्स उनका सिंगल शॉट था वो. तो वी लव इट. बट यहाँ पे भी सिंगल शॉट था. तो सिंगल शॉट में हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो लगा कि हाँ ऐसे ही कुछ आर्टिस्टिक होंगे जो नेक्स्ट भी यहाँ पे. लेकिन नेक्स्ट आर्टिस्टिक नहीं थे. वो वेरी सिंपल 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 थे वहाँ पे. जो शायद आर्टिस्टिक थे सिंस बिकॉज वी हैव लिटिल टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर शो एंड द कॉन्सेप्ट. मे बी वी डिड नॉट गेट द पॉइंट्स, व्हाट द हिडन पॉइंट्स मे बी. लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो एकदम से एक हाई स्टैंडर्ड सेट करके टीजर्स का इन्होंने कम कर दिया. इन्होंने भूत आया है. भूत नहीं है क्या? रमजान में भूत नहीं आते, छोड़ दो. तो आवाज़ आ रही ना? खैर, रमजान में भूत नहीं आते. तुम जैसे लोग तो आते हैं. हाँ, हम थे यहीं से. भूत आते जाते हैं उनका. हम तो रहते हैं यहाँ पे, हम सिर्फ मरते हैं, वैसा होता है. तो बेसिकली ज़हन नसीब, इश्क ज़हन नसीब का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या मिला है समझ में नहीं आ रहा मुझे. कुछ समझ में आया नहीं वैसे. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेवंथ का वी हैव रिएक्टेड ऑन द ओएसटी. दिस इज द गाय हु इज आई थिंक उनका साइकोलॉजी का थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब दिमाग का थोड़ा प्रॉब्लम भी है. एंड आई थिंक ही इज ट्रांसजेंडर. शायद वो शादी करते हैं. आई थिंक वो मतलब You remember you told me some story last night? Got it. You remember? Got it. Ab aa ja raha. Last night he was telling me a story of one of his known person. Ke yeah. This is the concept, aur wahi concept yahan par bhi hai. Haan, I got this it. This is I the it. Thing. No, I understand. Oh. You got it? वो जो बचपन से लेके मतलब जवानी को प्रपोज करता है, वो बोलता है कि सी व्हेन ही सेज के आई लव यू लाइक बोलती है कि तुमसे मैं क्यों करूं शादी. वही है क्या? वे शुड आई मैरी यू, यू आर नॉट अ मैन. एंड देन अगेन शी गेट्स मैरिड टू हिम ओनली. एंड देन दे हैव अ चाइल्ड.
अच्छा वो नहीं है क्या? तो आई रिमेम्बर्ड समथिंग विच आई शुडंट हैव रिमेम्बर्ड. बादाम खाया करो कभी? बहुत खाते हैं, देखा ना यहाँ पर डब्बा है बड़ा वाला, लेकिन काम नहीं करता. सो मैं इनको बोल रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली पूरा स्टोरी लाइन याद नहीं है, बट इतना तो याद है कि इस बंदे का ट्रांसजेंडर है और ये बंदा की शादी होती है, शादी के बाद वो लड़की को पता चलता है ऑन द वेडिंग नाइट, जो कि टीजर नंबर 6 में कुछ हमें शायद 5 or 6 में हमने देखा था कि वेडिंग नाइट दुल्हन बैठी है. आई थिंक वही कॉन्सेप्ट है. एंड ये इसमें कुछ क्या बोलते हैं, दिमागी हालत का भी एक, मेंटल इशू का भी एक मुद्दा है इसमें. वो कैमरे के हिसाब से जैसे कि यहाँ पे हुआ था, कौन सा मूवी है वो, अतरंगी रे में जो दिखाया गया समथिंग लाइक दैट, कैमरा वर्क में थोड़ा थोड़ा एक्सीलेंस थोड़ी बहुत दिखाई गई थी, डेप नहीं गया वहाँ पे. सो उस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये. एंड एज ही टोल्ड कि टीजर नंबर 1 से इतना हाई स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दिया अपना कि बाकी के टीजर्स अप टू द मार्क अच्छे थे. अगर हम टीजर नंबर 1 नहीं ही देखते तो अच्छे थे, लेकिन हमने टीजर नंबर 1 में इतना स्टैंडर्ड हाई हो गया उसके कि हम लोगों ने बाकी के टीजर्स उतना हम लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाया. एंड एज ही टोल्ड कि अबाउट द तेलुगु मूवी एंड दिस थिंग, यू रिमेंबर अवन श्रीमन नारायण, अ फिल्म ऑफ रक्षित शेट्टी 2018 or 2019 में आई थी यहाँ पर, कन्नड़ा फिल्म. नो, अवन श्रीमन नारायण वो फर्स्ट इंडिया. अच्छा, SRN. हाँ, उसमें भी एक सिंगल शॉट है. ओके, इट वॉज एक्शन सीन. एंड उसके बाद हम लोगों ने मलिक में देखा था, उसका रिएक्शन किया था हमने इस वीडियो का, अवन श्रीमन नारायण का रिएक्शन किया था. ओके, आई डोंट रिमेंबर दैट, लॉन्ग अगो. हाँ, और मलिक का सी, सिंगल शॉट्स आर नॉट ओनली, सिंगल शॉट्स अच्छे बनते नहीं सिर्फ टेक्निकल चीज़ों से, सिर्फ कैमरामैन के हाथ में, सिनेमाटोग्राफर के हाथ में या डायरेक्टर के हाथ में नहीं होता, ऑल्सो एक्टर्स के हाथ में बहुत उसकी एक की पॉइंट होती है. अगर एक्टर्स ने एक पॉइंट और एक सेकेंड का भी मिस कर दिया ना, तो उसके बाद वो फिर वो सिंगल शॉट उस तरीके की नहीं बनेगी. अगेन दे हैव टू, अगर दे वॉन्ट टू डू इट दे हैव टू शूट इट अगेन, और उसके पीछे बहुत सारी रिहर्सल्स लगती है. यहाँ पर तो हमने सिर्फ 30 सेकेंड का सिंगल शॉट देखा था, तो वो वाले तो 20 मिनट और 12 मिनट के थे. एंड देर इज अनदर मलयालम फिल्म जो कि जानी जाती है सिर्फ सिंगल शॉट की वजह से. यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दैट जलकट्टू समथिंग, मलयालम फिल्म बहुत फेमस हुई थी, नेशनल अवार्ड विनिंग उनकी एक फिल्म है चुरली. डायरेक्टर और वो. सो व्हाट आई एम सेइंग इज सिंगल शॉट्स आर नॉट ईजी और हर कोई नहीं कर पाता. और यहाँ पर जो किया था टीजर नंबर 1 में, हम भी सिंगल शॉट ही करते हैं सब कुछ वीडियो अपना. दिस इज आई एम नॉट, हम करते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग हम लोग स्क्रिप्ट के साथ नहीं करते. वी डू इट रैंडमली, व्हाट वी फील वी डू इट अगेन, यू नो. वो स्क्रिप्ट के साथ करना, आप जैसे कि आपकी, आपको वीडियो से पहले, मैं ऑडियंस की भी इसके लिए बोल रहा हूँ, वीडियो से पहले मैं एक आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ कि यही यही बोलना है वीडियो में, और आप वही रट्टा मारते हो. यहाँ पर अभी गिर गई स्क्रिप्ट, वो इसीलिए देख रहा था उसको. खैर भाई, कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल समझते नहीं. वो गिरी हुई स्क्रिप्ट थी इसीलिए गिर गई वो तो. हाँ है, पोर जोक, वेरी पोर जोक. इश्क ज़हे नसीब पे आते हैं वापस. मैं आज माइक को क्यों हाथ लगा रहा हूँ, मैं इतना कैजुअल क्यों हूँ आज पता नहीं. खैर देखते हैं क्यों कैजुअल. तो अच्छा है, गर्मी बहुत हो रही है ऐसे, बैंगलोर में बहुत गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा. आप बताओ कैसे हो, सब ठीक है? क्या हो रहा है भाई, वीडियो कॉल है क्या? एनी वे वीडियो कॉल भी करना चाहता हूँ, बहुत जल्द हम लोग करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ लाइव चैट. जब ओके, इतना वेट नहीं कर सकती हमारी ऑडियंस. ओके, सो ये तो हमारी रिएक्शन इश्क ज़हे नसीब के टीजर्स के ऊपर. अमेजिंग था वैसे तो, बहुत अमेजिंग, द कंटेंट वाज अमेजिंग, वी एंजॉयड इट. अच्छा था, एज ऑलवेज 7 स्टार का तो हम कैप्चरिंग होता ही है. एंड आई एम प्लानिंग टू वॉच दिस ड्रामा ऑल्सो बहुत जल्द, मे बी आफ्टर रमजान अगर वक्त मिला तो. मैं जरूर देखूंगा बिकॉज इसकी तारीफें मैंने सुनी है. और जिसने इसके लिए हमें कमेंट में बोला था, आपकी सबकी हम लोगों ने ख्वाहिशें तो पूरी कर दी, बट आप लोगों के नाम मुझे इंस्टाग्राम में दिखते नहीं. वो भी चाहिए ना भाई. ये खात दो, ये खात लो. सोया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहित शावीस, नायत, वेरी कैजुअली नायत, साइनिंग ऑफ.